मानना पड़ेगा कि समाज सेवा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरे के दर्द को महसूस करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वास्तविकता में संबित पात्रा जिन्होंने इस समाज कल्याण व समाज सेवा के कार्य में सदैव अपनी भागीदारी को निभाया है। दिल्ली पुलिस के जवान श्री किशन चंद्र, लाइन लगा लीजिए, फिर उसके बाद दवाई वितरित की जाए। देखिए ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है, ये कार्य सेवा आप लोगों के लिए यहाँ पर दी जा रही है और समस्या और बढ़ जाएगी। यहाँ उपस्थित यहाँ के लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दें। डॉक्टर कुदेसिया जी का तथा डॉक्टर आर एल सिंह भी, मिसेस सिंह भी, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, काफी बुजुर्ग गणमान्य व्यक्ति जो हमारे इस लोकेलिटी से आए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और
यहाँ देख के तो ये लगता ही है कि काफी सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमें जल्दी ऐसा वक्तव्य देने की आदत नहीं होती, फिर भी मुझे बुलाया गया है तो मैं कुछ शब्द जरूर कहूँगा कि जब से ये संस्था शुरू हुई है, इस संस्था की हमारे इलाके में बहुत अच्छी नज़र है और लगातार दूसरा या तीसरा कैंप जो है हम इनको रिकमेंड करते रहते हैं डॉक्टर साहब को, और ये कंटिन्यूसली यहाँ हेल्थ कैंप्स लगाते रहते हैं। धन्यवाद भाटे जी। मैं स्वागत करता हूं हमारे इलाके के एसीपी मदन मोहन जी का तथा एसएचओ श्री ओम प्रकाश शर्मा जी का कि वो अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में एसीपी मदन मोहन जी भी तथा एसएचओ अपना तन मन धन से सहयोग देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तिमारपुर से आई अपनी इस टीम का जो वास्तविकता में यहाँ पर आकर हमारे को हमें सच्चे मन से प्रसन्न कर रही है। रोटरी क्लब के तमाम सदस्य भी यहाँ पर हैं, तो यहीं पर हमारे अपने इलाके के एसीपी मदन मोहन जी, एसएचओ, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्टर समीर कुमार, डॉक्टर रजनी रवि, डॉक्टर अलका, डॉक्टर अविष्कार, स्वागत करता है। दोस्तों, स्वराज ऐसे तमाम लोगों का समूह है जो समाज के प्रति अपना एक दायित्व समझता है, अपने व्यस्त समय में से भी समय निकालकर वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैं डॉक्टर संबित पांडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस शुरुआत को जहां तक पहुंचाया है, क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। स्वराज डॉक्टर कुलेशिया जी, डॉक्टर संबित पात्रा और यहाँ इकट्ठे हुए भाइयों बहनों, ये बड़ी खुशी की बात है कि हिंदू राव के डॉक्टर्स ने ये बेड़ा उठा रखा है, जहाँ ऐसी बस्ती में जाकर के निःशुल्क ये सेवाएं करते हैं और लोगों के रोग का निवारण करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सहयोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इनके इस मिशन को और भी ज़्यादा मोमेंटम दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा सा कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक 100 नंबर का जो आप प्रयोग करते हैं, तो कितनी बार झूठी और गलत किस्म की आप इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता नहीं है कि जब आप 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं, आपकी तरफ से भले ही वो निःशुल्क हो, बगैर किसी पैसे के हो, लेकिन